नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बांगल कॉलेज डीडवाना। आज की इस व्याख्यान माला में मैं कॉर्डेट के अंतर्गत यूरोकॉर्डेटा के क्लास थेलेसिया के सामान्य करेक्टर और फर्दर क्लासिफिकेशन को शेयर करने जा रहा हूँ। थेलेसिया के एनिमल्स सोलिटरी या कॉलोनियल होते हैं। सोलिटरी मतलब होता है अकेले रहने वाले, या कॉलोनियल का मतलब होता है समूह बनाकर रहने वाले हो सकते हैं। इनके मेंटल जो होता है, कवच बाहर का जो होता है, पेशीयुक्त होता है, मस्कुलर होता है, किंतु पेशीपट गोलाकार होते हैं। ये गोलाकार पेशीपट पूर्ण एवं अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं। फेरिंग्स में केवल दो बड़े अथवा दो बहुत छोटे गिल होते हैं। बहुत छोटे गिल क्षेत्र पाए जा सकते हैं या दो बहुत बड़े छेद हो सकते हैं फेरिंग्स में। कवच पारदर्शी तथा स्थायी होता है। इसके बाहर जो कवच पाया जाता है वो पारदर्शी तथा स्थायी होता है। गिल छिद्र एट्रियल गुहा में खुलते हैं। इन एनिमल्स में डाइमॉर्फिक जंतु होते हैं ये। डाइमॉर्फिक का मतलब है दो अवस्थाएं इनमें पाई जाती हैं। इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण जिसको कहते हैं, पीढ़ियों का एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अर्थात सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, लैंगिक एवं अलैंगिक अवस्था का एकांतरण होता है। दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनमें जनन के लिए बडिंग पाई जाती है, उत्फुल्लन पाया जाता है, बडिंग। ये स्वतंत्र जीवी तथा पिलेजिक होते हैं। थैलेसिया को आगे तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। साइक्लोमेरिया या डोलियोलीडा का पहला है, दूसरा है हेमीमारिया या साल्पीडा, तीसरा है लूसीडा या पायरोसोमेटिडा। तो साइक्लोमारिया के अंदर क्या होता है? साइक्लोमारिया के एनिमल्स पिलेजिक होते हैं या फ्री स्विमिंग प्राणी हो सकते हैं। लाइफ साइकिल में दो फेजेस पाई जाती हैं। सेक्सुअल सॉलिटरी फेज कहलाती है और ए सेक्सुअल जो कि ऊजॉइड या ग्रिगेरिया फेज होती है। इसका एग्जाम्पल डोलियोलम होता है। हेमीमारिया, हेमी का मतलब हाफ होता है। हेमीमारिया के अंदर जो एनिमल्स हैं वो कॉलोनियल होते हैं। दो रूपों में पाए जाते हैं, ए सेक्सुअल सॉलिटरी और सेक्सुअल ग्रिगेरिया अवस्था होती है। एग्जाम्पल इसका साल्पा है, हेमीमारिया। साइक्लोमारिया में डोलियोलम होता है, अर्थात पेशी पट्टिस में साइक्लिक होते हैं। लूसीडा तीसरा ऑर्डर है, इसको पायरोसोमेटिडा भी कहते हैं। ये कॉलोनियल होते हैं जिनमें बहुत से जॉइड्स पाए जाते हैं जो एक से होते हैं। एग्जाम्पल इसका है पायरोसोमा। ऑर्डर साइक्लोमारिया के बारे में बात करें तो साइक्लोमारिया के अंदर डोलियोलीडा होता है। साइक्लोमारिया या डोलियोलीडा जिसका कि एग्जाम्पल डोलियोलम होता है, इसका करेक्टर है कि इनमें एट्रियल या ब्रेंकियल एपर्चर शरीर के विपरीत सिरों पर होते हैं। एट्रियल या ब्रेंकियल एपर्चर शरीर के विपरीत सिरों पर होते हैं। मस्कुलर बैंड्स पूर्ण और संख्या में 8 होते हैं। ये पेशी पट्टियां पूर्ण गोला बनाती हैं। इनमें एंडोस्टाइल उपस्थित तथा डोर्सल लेमिना अनुपस्थित होता है। डोर्सल लेमिना अनुपस्थित होता है। गिल स्लिट्स छोटे और असंख्य होते हैं। इनमें लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं
यूरोकॉर्डेटा का प्रमुख लक्षण होता है लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड का पाया जाना। इनके जीवन इतिहास में सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस पाई जाती हैं। सेक्सुअल लैंगिक ब्लास्टोजॉइट से सपुच लार्वा बनता है जो वृद्धि करके अलैंगिक प्रावस्था एसेक्सुअल स्टेज में मॉडिफाइड हो जाता है। ये ऊजॉइड प्रावस्था कहलाती हैं जो बडिंग द्वारा वृद्धि करती हैं। स्वतंत्र जीवी होते हैं ये, पीपे के आकार के या ढोल के आकार के जंतु होते हैं। जैसे ढोल के ऊपर रस्सी बंधी होती है उस तरह से इनके ऊपर मसल बैंड्स होते हैं और इसका एग्जांपल डोलियोलम है। दूसरा ऑर्डर है हेमिमारिया या सल्पीडा। इनमें दो रूप मिलते हैं, सॉलिटरी और एग्रीगेट या ग्रेगेरिया अवस्था। ये दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनका शरीर फ्यूजी फॉर्म होता है, शरीर में मसल बैंड्स उपस्थित होते हैं, पेशी पट उपस्थित होते हैं। ये जंतु 8 मिलीमीटर से 190 मिलीमीटर तक और ट्रांसपेरेंट प्रिज्म जैसे आकार के होते हैं। ये इनके पेशी पट अपूर्ण वयस्क अपूर्ण इनके पेशी पट अपूर्ण रिंग के शेप में वलय बनाते हैं। इनमें केवल दो क्लोम क्षेत्र होते हैं जो बहुत बड़े तथा ग्रसनी की संपूर्ण पार्श्व दीवारों पर होते हैं। फेरिंग्स का एट्रियल कैविटी से सीधा संपर्क होता है। इसका एग्जांपल है साल्पा। तीसरा ऑर्डर है लूसीडा या पायरोसोमेटिडा। इनके शरीर संगठन में ये मुक्त प्लावी होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। तल या पिलेजिक, तल मतलब बॉटम में पाए जाने वाले जिनको पिलेजिक कहते हैं, तथा कॉलोनियल प्राणी होते हैं। संग बेलनाकार तथा दोनों सिरों को खुले हुए होते हैं। कॉलोनी में एक सामान्य खोखला बेलन हॉलो सिलेंडर होता है जिसके चारों ओर जॉइंट्स लगे होते हैं। जॉइंट्स में ओरल एपर्चर बेलन के बाह्य तल पर स्थित होते हैं जबकि एट्रियल एपर्चर क्लोकल कैविटी में खुलते हैं। इनमें टेस्ट पारदर्शी एवं जिलेटिनस होता है। पेशी वलयक कम विकसित होते हैं जो शरीर के केवल दोनों किनारों पर स्थित होते हैं। इनमें डेवलपमेंट सरल होता है जिसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। डेवलपमेंट ब्लास्टोजॉइट के शरीर के अंदर होते हैं। इनमें गिल छिद्र अनेक होते हैं तथा आंतरिक लंबवत छड़ों द्वारा विभाजित होते हैं। इनके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है जिसके कारण इनकी कॉलोनी संदीप्तशील होती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। इसको कहते हैं ल्यूमिनिसेंट होती है। इसका एग्जांपल पायरोसोमा होता है। थैंक यू। अगले लेक्चर में मैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में डिस्कस करूंगा। आज यूरोकॉर्डेटा समाप्त हो गया। थैंक यू।